वेलकम बैक टू माई चैनल ऑन सुपर ब्यूटी हैक्स विद हर कार गाइज. हैप्पी करवा चौथ. एंड तो आज मैं करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी ऑन माई करवा चौथ. तो आप भी मुझे आपने लोग कैसा क्रिएट किया है करवा चौथ पे, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे टैग करना मत भूलिए. माई इंस्टाग्राम आईडी इज सुपर ब्यूटी हैक्स. तो गाइज अगर जो मैं मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट करने वाली हूँ अगर आपने सेम करना है तो भी मुझे टैग करना मत भूलिए. एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलिए, और बेल को भी साथ में हिट कर देना. उससे क्या होगा कि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा. अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, उसकी वजह से वीडियो में धूप का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है. मैं से कहा अब ठीक है, खुद भी घूमना पड़ेगा. तो गाइस चलिए, मैंने बाथ ले लिया है, अपना आउटफिट चेंज कर लिया है. नाउ अभी मेरा नेल पेंट बाकी है, नेल्स तो मैंने कट कर दिए थे, मेहंदी हो चुकी है. तो स्टार्ट फ्रॉम माय स्किन केयर विदाउट एनी फर्दर डू, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का कुकम्बर ग्लो टोनर. ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है. तो अभी इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना पेंडिंग है. तो कुकम्बर की हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से, एंड अच्छे से ये टोन कर देता है आपकी स्किन को, रिफ्रेशेंस कर देता है. एंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको अपने आप सूखने दो तो बेस्ट है. मेरे में इतना पेशेंस नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ. एंड गाइज आई हैव स्मॉल बम्प्स ओवर देयर जो कि अपने आप ही कल बर्स्ट हो गया. ये इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा. गाइज नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप ब्रेगनेंट रेडियंट ग्लो फेस सीरम, जिसका रिव्यू मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है. गाइज इसकी जो नोब होती है ना वो टच नहीं होनी चाहिए आपकी. ओहो ये मेरी शर्ट पे गिर गया. मैं एक ही हाथ से अपना टोनर जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ये अभी मैंने उतारी है, इसको मैंने पानी नहीं लगाया है. गाइज सबसे बड़ी क्रंजी मिस्टेक होती है जब भी हम अपना फेशियल केयर करते हैं, सीरम अप्लाई करते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं, मैं उसके साथ साथ अपने नेक हैंड्स आर्म्स पे भी अप्लाई करती हूँ. मेरे हिसाब से जितनी हमारी फेस हमारा ज़रूरी है उतना ही हमारी बॉडी भी उतनी ही ज़रूरी है. वहाँ पे भी एजिंग आती है, वो भी स्किन ड्राई होती है, वो भी स्किन हाइड्रेट होना चाहती है. सो ये एक मिथ है कि फेस की केयर बॉडी केयर से ज़्यादा करो, बराबर होनी चाहिए. सो आई एम टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ माय पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर जिसने आजकल मार्केट में धूम मचा रखी है. गाइज आई थिंक अगर आपकी स्किन ड्राई है, अच्छा मैं भी यहाँ पे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है सेंसिटिव है, एंड मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि जो पॉन्ड्स का ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर आता है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. वो भी उतना ही अच्छा है जितना ये हाइलुरोनिक एसिड वाला अच्छा है. तो अभी मेरे पास वो है नहीं, बट मैंने उसको यूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है कि वो अच्छा है. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना रेगल्स का हाइड्रोनिक लिप बाम, जिसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है. जो चीज़ों के मैं रिव्यू करती हूँ उन चीज़ों को मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ तभी उनका रिव्यू आपके साथ आता है. तो ये विद SPF 25 आता है इसलिए मैं इसको डे में यूज़ करना प्रेफर करती हूँ.
और ये आपके चैपी लिप्स को, ड्राई लिप्स को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करता है, और ये पैराबिन फ्री है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। तो चलिए गाइज, अब हम रेडी होते हैं अपने स्किन केयर के लिए। और जो पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र है, ये एक प्राइमर का भी काम करता है, तो यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूड SPF 15, और ये विद SPF 15 के साथ आता है, एंड ये फुल कवरेज देता है। ये मेरी स्किन टोन से मैच करता है, एंड हाँ मतलब मुझे मिक्स करके अप्लाई करना पड़ता है, ये डार्क है मेरी स्किन टोन से। तो गाइज, आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने इसको मिक्स करके यूज़ करना है, सिंगल यूज़ करना है। ये फुल कवरेज देते हैं मैक के प्रोडक्ट्स, तो ये फुल कवरेज ना दे इसलिए मैं बहुत 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 सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही इसकी लूँगी। सिर्फ उसी को मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइज, हम इसको अपने फेस पे डॉट मेथड से इसको अप्लाई कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द जो जिन्होंने व्रत रखा होता है वो इवनिंग में रेडी होती हैं जब कथा करने जाना होता है। तो ये वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी। अगर आपको सेम लुक ट्राई करना हो, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, मैरिड और अनमैरिड इस को बोथ कर सकते हैं, और हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो मेकअप करने में, एंड हम यहाँ पे अब कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो अच्छे से मेरा फाउंडेशन जो है वो मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे कंसीलर अवॉइड कर रही हूँ। अगर आपके एक्सेसिवली डार्क सर्कल हैं तो आप कंसीलर अप्लाई कर। मैं यहाँ पे न्यूड मेकअप कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे मॉर्फे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये लोकल विलेजेस में या फिर टाउन्स में आपको, अगर आप डे मेकअप चूज़ कर रहे हैं तो आपको न्यूड मेकअप पे रहना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा हैवी हो और ना ही वो ज़्यादा लाइट हो। बट अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है या फिर आप एट नाइट में रेडी होना चाहते हो तो आप ग्लिटर ट्राई करना। आपको एक सिंगल शेड जो है वो आप कोई भी लाइट कलर का पिक कर सकते हैं यहाँ से, ब्राउन्स वाले लाइन में से, एंड देन आपको ऐसे शिमरी वाले शेड एट नाइट। अगर डे में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइट चूज़ कर सकते हैं। ये न्यूड पैलेट से दिखा रही हूँ। तो अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है, आपने कुछ अच्छा करना है, तो आप ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्लिटर नहीं आते हैं, जो ऐसे शिमरी शेड्स होते हैं ना ये वाले, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पिक कर रही हूँ, ये वाले शेड को। तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी सेकंड आई पे भी अप्लाई कर लेंगे इसको। ये वाला जो राउंड वाला पफी वाला ब्रश होता है, इससे आपका, इसको मस्ट है बाय करना। मैंने मेकअप ब्रशेस जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी हैं, ब्राइड्स के लिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, तो मैं आपको वहाँ पे मैंने बताया है। ये वाला जो ब्रश है ना, इससे इतना अच्छा आपका जो आई शेडोज है ना, वो इतने अच्छे ब्लेंड होते हैं। मैं तो कंटूरिंग भी इसी से करती हूँ अगर मुझे करनी हो, क्योंकि इस ब्रश से आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। कंपनी ये है अल्ट्रा ब्यूटी की, सॉरी अल्टा ब्यूटी, एंड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आप इस ब्रश को ध्यान से देख लीजिए। आपने इस तरह का ब्रश लेना है आपने। तो लाइट शेड मेरा यहाँ पे ब्राउन मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम एक शेड डार्क ले लेंगे
अपनी आउटफिट से मैच करता हुआ, एंड मुझे वो मिल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, पहले हम अप्लाई कर लें उसको, हम अपनी अपर लिड पे अप्लाई कर लेंगे। मैं ऐसे से कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट ब्रश नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल मेरा मिक्स मेकअप चाहिए। मैंने अपने नवरात्रि वाले मेकअप में बताया था कि हमने आईज के नीचे पाउडर लगा के रखना है, वो तब है जब आपका मेकअप जो है वो शेडोज़ जो हैं वो आपके नीचे गिरते हैं, ठीक है, और अगर आपने कंसीलर अप्लाई किया है तो। अगर आपके आई शेडोज़ की क्वालिटी अच्छी है, वो नीचे नहीं गिरते हैं, तो आपको पफ पाउडर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्लैक प्रोफ्यूज़न का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं एज अ आईलाइनर ही यूज़ करूँगी। मैं प्रॉपर आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, स्मोकी लुक दे रही हूँ इससे। तो गाइज, आपने जो आई पेंसिल आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने एज आ आईलाइनर ही अप्लाई करना है, विंग नहीं निकालना है, लेकिन हल्का सा बाहर को एक स्मोकी शेड देने के लिए हम थोड़ा सा बाहर विंग साइड निकालेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही हम अपनी दूसरी आई पे भी मेकअप अप्लाई कर लेंगे। देख सकते हैं कितना स्मोकी लुक आ गया है। अगर आपके पास आईलाइनर पेंसिल नहीं है तो आप अपने काजल से भी कर सकते हैं, बस आप उसको ब्लेंड कर लेना थोड़ा थोड़ा, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी आईलिड के ऊपर टच नहीं होगा, और या फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई कर दीजिए, तब भी वो आपकी आईलिड के ऊपर टच नहीं होगा। द क्लोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि करवा चौथ के मेकअप में कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करता है, बट हम उसे थोड़ा सा एक्सपेंड दिखाने के लिए कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं, कोई भी यूज नहीं करता। तो अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं कंटूरिंग। कंटूर को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी मेकअप करते हो ना, ब्लेंडिंग एक मंत्र है, उसका जाप नहीं करना है, उसको अप्लाई करना है। जितना ब्लेंड करोगे ना मेकअप, उतना अच्छा होता है आपका। अब हम अप्लाई कर लेते हैं ब्लश। यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अपना मेबेलिन का, फिर ये मेरा सबसे फेवरेट ब्लश है। मैक से भी अच्छा मुझे मेबेलिन का ब्लश लगता है, हर एक किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। आई लव दिस ब्लश। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ हाइलाइटर। एज यूजुअल मैं मैक का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, एंड आई एम गोना टू यूज़ माय हाइलाइटर। एक्चुअली मैं अपने फ़ोन में ही देख के मेकअप कर रही हूँ, मेरे पास ये अलग से मिरर था। अच्छा, मैंने कॉम्पैक्ट नहीं बताया, मैं यहाँ पे कलर एसेंस गोल्ड का मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया था, एंड आप अगर हाइलाइटर भी अप्लाई करते हो ना तो उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना सीखना आपको आना चाहिए। गाइज, मैं यहाँ पे एले 18 का मरून लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिंक आपको प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपने इन फ्यूचर बाय करने हो। बट ये तो गेट रेडी विद मी था कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जो मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं और हमारा जो डेली मेकअप होता है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। गाइज, आपने भी नोटिस किया होगा। अब आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली अपनी बिंदी लगानी थी, जो कि मेरे मदर इन लॉ मेरे लिए लेके आए थे नए वाली, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी बिंदी लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। टेक केयर।